प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम में। आप सभी ऑनलाइन माध्यम यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवं AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज के माध्यम से सीधे शांतिकुंज हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। आत्मीय परिजनों, आप सभी का हृदय से आभार। आप सभी इस क्रमों में जुड़ रहे हैं जो शांतिकुंज से चलाए जा रहे हैं एवं आपने अपने कई साथियों को इससे जोड़ा है, इसके लिए आपका हृदय से आभार है। जिस प्रकार से पिछले क्रम में आपने गीत, नृत्य, साथ ही साथ नाटक देखा, इसी प्रकार से आज के क्रम में भी हम आपके लिए कई अलग अलग कार्यक्रम लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपने सुना होगा आदिकाल में जब राजा शगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के एक श्राप से भस्मीभूत होना पड़ा था, तब महर्षि भगीरथ ने घनघोर तप करके माँ गंगा को प्रसन्न किया था। पर माँ गंगा का वेग इतना प्रबल था कि वो सीधे पृथ्वी पर आती तो समग्र पृथ्वी जलमग्न हो सकती थी। इसलिए महर्षि भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। तब माँ गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया। वहाँ से माँ गंगा पृथ्वी पर आई। तब से माँ गंगा यहाँ निरंतर बह रही हैं। इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान की गंगा बहाई है। उनके शिष्य होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि ज्ञान गंगा को हम जन जन तक पहुँचाएँ। आज के गीत के बोल हैं, भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है, याद आपकी आती है। संकल्पों को पूर्ण करेंगे गुरुवर सदा प्राणपण से। पीछे नहीं हटेंगे गुरुवर संघर्षों वाले रण से। संकल्पों को पूर्ण करेंगे गुरुवर सदा प्राणपण से। पीछे नहीं हटेंगे गुरुवर संघर्षों वाले रण से। लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा, लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा यह विश्वास दिलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है, याद आपकी आती है, याद आपकी आती है, याद आपकी आती है। प्राणों से प्रिय हमारे लिए है वतन, स्वर्ग से भी बड़ा है हमारा वतन। रक्त से भी अगर सींचना पड़ गया, बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए हमारा भारत महान है।
समस्त विश्व को युग के नवनिर्माण की कालजयी योजना प्रदान कर मानवता को सतपथ प्रदान करने वाले पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जीवंत आदर्शों को उनके जीवन एवं साहित्य के माध्यम से पढ़कर जन जन सतत प्रेरित हो रहे हैं एवं हम सभी पूज्य गुरुवर के आदर्श पथ पर सतत चलने के संकल्प की प्रेरणा लें। आए इस क्रम में आगे चलते हैं। अगले क्रम में छोटे बच्चों के द्वारा समूह गान प्रस्तुत किया जा रहा है जिनके बोल हैं, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे इस वतन के लिए।
जैसा कि आप सभी ने पिछले क्रम में देखा, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस भाव के साथ ये प्रेरणा मिलती है हमें कि हम जो भी कार्य करें उसे ये ध्यान में रखते हुए करें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमारे देश, राष्ट्र व समाज का हित हो, कल्याणकारी भावना के प्रति हम वो सारे कार्य करें। नन्हे बच्चों की यह ऊर्जावान प्रस्तुति हमें संदेश प्रदान करती है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, हम में यह क्षमता है, योग्यता है कि हम राष्ट्र के निर्माण में अपने कर्तव्य का निर्वहन अपने संकल्पों के माध्यम से कर सकते हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो पूरा संसार होता है। आत्मीय परिजनों, लोक रंजन से लोक मंगल एवं लोक शिक्षण समय की मांग है। स्वस्थ मनोरंजन संघ प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से शांतिकुंज द्वारा निरंतर रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से देख रहे हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों को देखकर बहुत लोगों ने अपना जीवन भी बदला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को लोगों को भेजें, जिससे यह कार्यक्रम कई स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में चलाए जा सके और इन्हीं कार्यक्रमों से सभी लोगों को प्रेरणा भी प्राप्त हो। जो भी कभी युग निर्माण के पथ पर आए हैं, उनको सुनिश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर कार्य करने हैं। समयदान, अंशदान हम निरंतर करते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सपने को साकार करने के लिए नई चेतना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये रास्ता सरल नहीं है। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। आपने नचिकेता की कहानी तो सुनी ही होगी। उनके पिता ने कहा था जब वह यज्ञ करा रहे थे कि यदि उनका यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो वह दान में 1000 गायें देंगे। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर उनने 1000 गायें दान देना शुरू की, लेकिन उनने वह गायें दान में दी जो किसी उपयोग की नहीं थी, जो दूध नहीं दे सकती थी, जो बच्चे नहीं दे सकती थी। यह देख नचिकेता को बहुत दुख हुआ और उनने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप ऐसी गायें दान में क्यों दे रहे हैं जो किसी उपयोग की नहीं है, दान में तो अच्छी वस्तुएं दी जाती हैं। 2-3 बार प्रश्न करने पर उनके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन ज्यादा पूछने पर उनके पिता ने कहा, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, तुम ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, तुम ही मेरे लिए सबसे उपयोगी हो, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ। 4 वर्ष की आयु में ही नचिकेता चले गए मृत्यु के पास और इंतजार करते रहे 3 दिन तक। 3 दिन इंतजार करने पर यमराज प्रकट हुए और वह यह देखकर बहुत खुश हुए कि इतनी छोटी उम्र में बालक जो है अपने पिता की आज्ञा भी मान रहा है। और 3 दिन तक इंतजार करने पर उन्हें कहा कि सुपुत्र, मृत्यु देने वाले के हाथ में नहीं होती, मृत्यु मुझे तुम्हारी चाहिए ही नहीं और मैं तुम्हारा जीवन अभी चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन तुमने 3 दिन तक इतनी प्रतीक्षा करी तो मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। 3 वरदानों में उन्हें यह मांगा कि पहला कि उनके पिता को कोई पाप ना लगे, उन्हें गलत कार्य किया इसके लिए उन्हें कोई पाप ना लगे। दूसरा उन्हें यज्ञ का विज्ञान जानना था और तीसरा था कि अध्यात्म क्या है यह वे उन्हें बताएं। पहले 2 तो उन्हें पूरे किए, लेकिन तीसरे आने पर उन्हें कहा, बेटा यह तो अध्यात्म को जानना तो छुरे की धार पर चलने के समान है। इसे जानने के लिए बड़े बड़ों को बहुत 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 मुश्किल होती है, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, इसे जानना आसान नहीं है। आध्यात्मिक लोगों का जीवन बहुत मुश्किल होता है, उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है, आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति उनके जीवन में होती है, उनका जीवन आसान नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ भी पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कुछ भी पाना आसान नहीं होता। इन्हीं भावों को लेकर प्रस्तुत हैं यह नन्ही मुन्नी बालिकाएं। दर्द जमाने का इस दर बस हिम्मत वाले चलते।
से तुम सूली के सोपान चढ़ो, सूली के सोपान चढ़ो। उसने सुपरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो, विष के प्याले की ओर बढ़ो। उसने असली आवाज सुनी, के गुलशन में लेकिन आता बासंती रंग तभी, आता बासंती रंग तभी। जब ऐसा माली आता है, हो, जब ऐसा माली आता है जो जीते जी गल जाता है। बरसों तक भी है जो माटी उसमें से रत्न निकलते हैं, बरसों तक भी है जो माटी से रत्न निकलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, हो, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते, ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी देव संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति आदर्श व्यक्तित्व उसी को मानती है जिसने हमारे देश के लिए कुछ किया हो, जिसने कुछ त्यागा हो और इस देश को, इस युवा को एक नई राह दी हो, नई पीढ़ी के लिए कुछ करा हो। और आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे ही महापुरुषों को अपना आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अब अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके सामने एक ऊर्जावान प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनके बोल हैं, उठो जवान देश की माँ भारती पुकार दी। युवा होने के लिए आपको 18 वर्ष का होना ज़रूरी नहीं है, आपके हृदय में उत्साह होना चाहिए, मन में उमंग होनी चाहिए, कुछ करने के उत्साह होना चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे कि नचिकेता, भक्त प्रहलाद,
अष्टावक्र जैसे महान लोग हुए हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी 15 वर्ष की आयु में ही गुरुदेव के दर्शन किए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। उनने हमारे देश को एक नई राह दी। जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रहलाद ने 8 वर्ष की आयु में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव ने 15 वर्ष की आयु में ही अपने गुरुदेव के दर्शन कर लिए थे। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि आयु हमारे युवावस्था को नहीं आंकती, हमारे अंदर ही उतना उत्साह और उमंग होना चाहिए कि हम बहुत छोटी उम्र में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी युवा को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए एक ऊर्जावान प्रस्तुति लेकर यह युवा दल प्रस्तुत है। उठो जवान देश के माँ भारती पुकारती, तो जवान देश के माँ भारती पुकारती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती। उठो जवान बढ़ो जवान, मुकुट सजा हुआ हिमालय इस किसान है, हिमालय इस किसान है, हिमालय इस किसान है, मुकुट सजा हुआ हिमालय इस किसान है, हिमालय इस किसान है, हो रहा है पाव हिंद सागर महान, हिंद सागर महान है, हो रहा है पाव हिंद सागर महान, हिंद सागर महान है, बह रही पवित्र गंग, बह रही पवित्र गंग, पाप से उबारती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती। उठो जवान पढ़ो जवान, कृष्ण की भूमि बुद्ध महावीर की, बुद्ध महावीर की, राम कृष्ण की भूमि बुद्ध महावीर की, बुद्ध महावीर की, अवतारों संतों की नानक कबीर की, नानक कबीर की, अवतारों संतों की नानक कबीर की, नानक कबीर की, कण कण में इस धरात, कण कण में इस धरात, शक्तियाँ विराजती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती। उठो जवान बढ़ो जवान, आजाद भगत सिंह से सपूत, भगत सिंह से सपूत है, बिस्मिल आजाद भगत सिंह से सपूत, भगत सिंह से सपूत है, जिनके बलिदान राष्ट्र शान के सबूत है, शान के सबूत है, जिनके बलिदान राष्ट्र शान के सबूत है, शान के सबूत है, घट न जाए इस किसान, घट न जाए इस किसान, कहती माँ भारती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती। उठो जवान बढ़ो जवान,
सुपुत्रों युग ऋषि की आपसे अपील है, आपसे अपील है। ऋषि पुत्रों युग ऋषि की आपसे अपील है, आपसे अपील है। स्वयं के सुधार में होती क्यों ढील है, होती क्यों ढील है। स्वयं के सुधार में होती क्यों ढील है, होती क्यों ढील है। आत्मशक्ति दुनिया को, आत्मशक्ति दुनिया को पतन से उबारती। ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती। उठो जवान देश के माँ भारती पुकारती, उठो जवान देश के माँ भारती पुकारती। ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती, ज्योति प्राण की जलाओ करो माँ की आरती। उठो जवान, उठो जवान, बढ़ो जवान, बढ़ो जवान, बढ़ो जवान, बढ़ो जवान। माता की जय, माता की जय। समय की मांग है कि युवा आगे आएं एवं राष्ट्र एवं संस्कृति के उत्थान हेतु अपनी महती भूमिका अदा करें। यह ऊर्जापान प्रस्तुति हमें सहगमन कर साथ साथ राष्ट्रहित में श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है। आइए इन्हीं प्रेरणाओं के संग आगे चलते हैं। लोकरंजन से लोकमंगल एवं लोक शिक्षण के क्रम में नाट्य विद्या की अपनी महत्ता है। इतिहास साक्षी है, राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन के नाट्य मंचन ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी बनने के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। आत्मीय परिजनों, मैं, मेरा और मेरे की आपाधापी में वर्तमान समाज की दिशा और दशा जिस ओर जाती प्रतीत होती है, उसे सही राह पर ले जाने को हमें आने वाली पीढ़ियों को समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रेरणा प्रदान करनी होगी। हमें पुस्तकों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है, आइए एक लघु नाटिका के माध्यम से राष्ट्रहित को सर्वपरिमान आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा के प्रेरक सूत्रों से जुड़ते रहें। आज बज उठी है रणभेरी नवयुग के निर्माण की, उठो साथियों और लिखो कहानी त्याग और बलिदान की। चलो चले हम अधम ऊंचाई, तुम युद्ध की तान बने। इसी भावना के साथ प्रस्तुत है लघु नाटिका। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया, मैंने ना अपने पूरे स्कूल में टॉप किया, बस अब किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं भी पढ़ लिख कर आपके जैसे ही राज सेवा का काम करूँगा। जी भैया, हाँ बस एडमिशन के लिए ही जा रहा था, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है भैया, प्रणाम। जी भैया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो क्या बात है सर? वो आपसे एडमिशन के लिए बात करनी थी। एडमिशन के लिए क्या बात करनी थी सर? स्कॉलरशिप की लिस्ट में नाम होते हुए भी मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई, हमारा रहते तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम 2 मिनट रुको, हम चेक करते हैं। देखो ली, कहाँ है तुम्हारा नाम कहीं लिस्ट में? सर दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे, ये तो खाली है, कहाँ है दूसरे नंबर पे तुम्हारा नाम? पर सर, अरे देखो कहा है ना, मैं बड़ा फ्रैंक आदमी हूँ, बातों को घुमाऊंगा नहीं। कहा हुआ कि कल रात को हमारा चश्मा टूट गया, अब बिना चश्मा काम को दिखाई देता नहीं है, तो चश्मा बनवाने के लिए कुछ तो समझ रहे हो ना? पर सर ये तो गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लो भाई, आ गए एक और महापुरुष, ये लाएंगे भारत में सुशासन। अरे एडमिशन चाहिए तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से दिमाग खराब करने सुबह सुबह। नहीं लेना सिर्फ भ्रष्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन, नहीं लेना, पर पढ़ाई तो करनी। हाँ स्कॉलरशिप है मेरे पास, मैं विदेश जाऊँगा, पर उसके लिए पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था पर मेरा पासपोर्ट नहीं बना अभी तक। हाँ हमने देखी आपकी एप्लीकेशन, पर उसमें और डॉक्यूमेंट कम है। कितने डॉक्यूमेंट लगाए तो थे सर, और कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे? यार पानी बिल, बिजली बिल, NOC, DOB, घर में कोई जमीन होगी तो उसको भी डॉक्यूमेंट लगा दो। इतने सारे डॉक्यूमेंट? पर इतने सारे डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे मेरे पास। कोई बात नहीं, हम किस लिए है, बस हरा वाला डॉक्यूमेंट लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। हरा वाला डॉक्यूमेंट वो क्या होता है यार? वो भी बताना पड़ेगा, समझा करो यार। पर सर ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
अरे बेटा, इस देश के बारे में और कोई इतना नहीं सोच रहा है तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम बस विदेश जाने की तैयारी करो। नहीं जाना विदेश, नहीं जाना। बस बनाओ, हमें कौन सी तुम्हारे पासपोर्ट की पड़ी है? मैं ही पागल हूँ जो इस देश के बारे में सोच रहा हूँ? आज कोई देश के बारे में नहीं सोचता, देशभक्ति के बारे में नहीं सोचता, सब केवल पैसे के बारे में सोचते। ये देशभक्ति वाली बातें केवल किताबों में ही सही लगती। क्या मिला है किसी को देशभक्ति करके, देश की सेवा करके? जो मुझे मिलेगा सब बेकार। नहीं करना कुछ, नहीं करना। पापा, पापा, कल मैंने अपने स्कूल में फौज के बारे में सुना। तो मैं बड़े होकर भैया और चाचा जी जैसे फौज में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सोचा तूने बेटे, बहुत अच्छा सोचा है। अभी तो एक काम कर, तू अपना होमवर्क कर ले। तेरे भैया और तेरे चाचा आते होंगे, वो तुझे बताएंगे फौज के बारे में बहुत कुछ। ठीक है पापा, मैं जब तक देखता हूँ देश में क्या हाल चाल चल रहा है। नमस्कार, और अब वक्त है अब तक के मुख्य समाचारों का। कल रात कश्मीर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनसे लोहा लेते हुए हमारे देश के वीर सेनानायक कैप्टन अभिमन्यु सिंह शहीद हो गए। आइए हम सब भारतीय उन्हें भाव भरा नमन करें। चाचा कितने बहादुर थे, अरे उन्होंने देश को बचाने के लिए शहादत दे दी। बेटे, तुझे उनकी शहादत से गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? उन्होंने देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, और ये देशवासी केवल पैसा पैसा कर अपने बारे में सोचते। सब गलत है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे किसी से बात नहीं नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं। भैया आ गए, भैया आ गए। अब तू भी सचिन बनेगा। वाह भैया, अब तू भी सचिन बनेगा। तेरे लिए बैट बैठे तेरे चाचा ने। ठीक है, मिल गई फुर्सत आपको मेरे लिए। बचपन में तो हर सुख दुख में आप मेरे साथ होते थे, पर आज जब अपनी लाइफ में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप मेरे साथ नहीं। पता भी चला आपको, मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पापा ने डोनेशन देने से मना किया। वो देते भी कहां से, घर में पैसे भी तो होने चाहिए देने के लिए। तो मायूस क्यों होता है? तो भी आर्मी में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? जवान है, सक्षम है, तेरे जैसे युवाओं की आवश्यकता है आज फौज में। मुझे नहीं जाना किसी भी फौज में, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। मुझे तो इंजीनियर बनना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, विदेश जाना है। नहीं भैया, मैं जाऊंगा फौज में। फौज में जाने के लिए क्या करना होता है भैया? डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, अपने घर परिवार से दूर जाना होता है, और उन्हें बेबस और बेसहारा देख कर भी चुप रहना पड़ता है। और क्या करना होता है? सिर्फ देश सेवा की शपथ लेनी होती है बस। हेलो यस सर, श्योर सर, जय सर। सरहद पर दुश्मनों ने फिर से हमला कर दिया, वहां के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। मुझे वापस जाना होगा मेरे भाई, मेरे देश को मेरी जरूरत है, मुझे वापस जाना होगा। अगर ऐसे ही जाना था तो फिर आप आए क्यों थे? एक आप भी तो थे जो मुझे समझते थे, अब आप भी बदल गए। मुझे किसी की जरूरत नहीं, चले जाइए, चले जाइए। आपको उसकी भी, मेरे को आपकी भी जरूरत नहीं, चले जाइए। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। कल रात एयरबेस स्टेशन पे हुए आतंकवादी हमले में सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया, परंतु दुखद समाचार यह है कि हमारे देश के वीर कैप्टन राणा यशवंत सिंह शहीद हो गए। ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप अभी तो यही थे मेरे भैया। भैया ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भैया अभी यही थे, मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जाते। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भैया, भैया मेरे भैया उधर जाएंगे, मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी बोले नहीं, सब झूठ है,
मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर क्या मिलता है इस देश के लिए जान से? मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं बेटे, नहीं, ये देश तुम्हारा घर है, ये भारत हमारी माता। सोचो क्या करोगे कल जब कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी माँ का अपमान करेगा? क्या फिर भी हम यही सोचेंगे कि लड़े या ना लड़े? कहीं लड़ते हुए हमारे प्राण तो नहीं चले जाएंगे? बेटे, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, और इस कर्तव्य को पूरा करते हुए अगर प्राण भी देने पड़े तो उसे हमें अपने आप पे गर्व करना चाहिए। गर्व करना चाहिए बेटे, गर्व करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, ऐसी स्थिति में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक उचित मार्गदर्शन, एक ऐसा मार्गदर्शन जो तुम्हें बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, जो तुम्हें बता सके कि सच्ची राष्ट्रभक्ति क्या होती है, कि वह अपने देश की सेवा किस तरह से कर सकता है। बेटे, जिस क्षण तुम्हें अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का आभास हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हारे मन की सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बेटे बेटे, हेलो पुस्तक, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे जानो, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्र सेवा क्या होती है, और एक युवा अपने राष्ट्र की सेवा किस तरह से कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। और इस देश को आज के युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं बेटे, क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ना बेटे, इसे पढ़ना। युवा राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति होती है। युवा किसी भी राष्ट्र के उत्थान में, उसके विकास में, सर्वांगीण विकास में, राष्ट्र में युवा ही उसकी अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रहित मात्र देश के लिए शहीद होना नहीं है, अपितु अच्छा शिक्षक बनकर, अच्छा चिकित्सक बनकर, एक अच्छा वकील बनकर और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला राजनेता बनकर भी हम राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। आवश्यकता है तो मात्र युवा बनने, आइए युवा बने। सही बात, मैं शिक्षक बनूंगा और शिक्षक बनकर अपने जैसे सभी भटके युवाओं को देशभक्ति का सही अर्थ समझाऊंगा। मुझे गर्व है अपने भैया पर, मुझे गर्व है अपने चाचा पर, मुझे गर्व है भारत माँ की हर उस संतान पर जिसने देश रक्षा में अपनी जान दी। मुझे गिर कर उठने, संभलने और समझने में बहुत समय लग गया, पर आप सभी तो समझ गए होंगे कि देशभक्ति का सही अर्थ क्या होता है। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम सभी युवा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। हम युवा चरित्रवान बनेंगे, हम युवा राष्ट्र का उत्थान करेंगे, हम युवा राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हम युवा अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएंगे, हम युवा अपने राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आत्मीय परिजनों, राष्ट्र सर्वोपरि महान राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने की प्रेरणा देने वाली इस प्रस्तुति में निहित जीवन शिक्षणों के अनुरूप आचरण करने को हम सब कृत संकल्पित हों। वर्तमान समय ऐसे जागृत जीवंत युवाओं का आवाहन करता है जो देश हित जिए। आए उस आवाहन की पुकार को सुने, हम जीवन को राष्ट्रहित में जीकर उसे सार्थकता प्रदान करें। आइए ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में चलते हैं। हम अगले क्रम में देश मेरे मेरी जान है तू। आत्मीय परिजनों, जानकारी तो हम सबको है कि किस कीमत पर हमें आज़ादी मिली है, पर क्या हम महसूस कर पाते हैं कि उन असंख्य वीरों ने देश हित में अपना सर्वस्व बलिदान कर इस आज़ादी की कीमत चुकाई है। आज भी सीमा पर या भीतर अनेकानेक वीर राष्ट्र रक्षा हेतु निरंतर जुटे रहते हैं। वो बात हम सब ने सुनी ही है, कुछ बात है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।
यह ऋषियों, संतों, सुधारकों, पैगंबरों की इस पवित्र भूमि की रक्षा सदैव वीरों, शहीदों ने की है। आइए हम उनके बलिदानों का स्मरण करें एवं संकल्पित हो उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने को। प्रस्तुत है ये नाटिका। मेरी बना करे बात सजैया, तेरे संग होली ना है।
देश के लिए जिए हम और देश हित यदि अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ठान लें तो हम जिस भी भूमिका में हैं वहीं से राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की सप्त क्रांतियाँ साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन राष्ट्र निर्माण का ही माध्यम है। गर्व है हमें आत्मीय स्वजनों पर जो निरंतर इन अभियानों को गतिशील कर रहे हैं। आत्मीय परिजनों, लोक रंजन से लोक मंगल एवं लोक शिक्षण की सुसंस्कृत पीढ़ी गढ़ने एवं स्वास्थ्य मनोरंजन संघ प्रेरणा प्रदान करने का एक अभिनव प्रयास है। आप सभी का आह्वान है, आप सभी इस अभियान को घर घर पहुँचाएँ। इस ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करें। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, क्या पता आपके माध्यम से प्रेरणा पाकर किसी का जीवन सार्थक हो पाए और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके। साथियों, हर माह की 8, 18 एवं 28 तारीख को आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से लाइव जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप शांतिकुंज के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9258352222 को अवश्य सेव कर लें। शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज को ज़रूर लाइक करें। आत्मीय परिजनों, ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस क्रम में इतना ही। मिलते हैं इसके अगली श्रृंखला में अगले कार्यक्रमों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।